मुरादाबाद जनपद के मूड़ापांडे थाना क्षेत्र दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सावन के पर्व महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर मूड़ापांडे थाना अध्यक्ष दीपक मलिक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार यातायात डायवर्जन और रोड पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए प्रशासन लगा है। पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट है, तो वहीं पुलिस द्वारा हाईवे पर बिजली के लगे पोल पर एक बोर्ड टांगा गया है, इस पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले चालकों और शरारती तत्वों को अलर्ट किया गया है, जिस पर लिखा गया है कि कृपया धीरे चलें, कांवड़ यात्रा चल रही है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। यदि इन यातायात नियमों का कोई उल्लंघन करता है या फिर उत्पात मचाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो वहीं दिल्ली लखनऊ हाईवे की रोड की एक साइड कांवड़ यात्रियों के लिए यातायात डायवर्जन के बाद खाली करा दी गई है। केवल उस पर कांवड़ लेकर आ रहे व्यक्ति ही अपना सफर तय कर पाएंगे और खाली रोड पर रस्सी बांधकर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है और भारी वाहन रामपुर से शाहबाद रोड बिलारी चंदौसी होते हुए दिल्ली जाएंगे। यदि कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो कठोर और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अरे माना से मंदिर पत्थर वाला गुंडा से और आवाज है, यहाँ मैं पूजा करता हूँ। कितने सालों से पूजा करते हैं? 19 साल हो गए। यहाँ शिव भक्तों का किस तरह का कांवड़ यात्रा को लेकर के ताता रहता लगा हुआ? कांवड़ यात्रा का ऐसा है कि जो यहाँ से आगे जितने भी कांवड़ वाले जाते हैं चाहे विश्राम करते हैं, चाहे पानी की व्यवस्था जैसी होती है वो करते हैं। शनिवार दो दिन का भंडारा रहता है। कितनी भीड़ रहती है? भीड़ के तो कोई गंदी नहीं, 1000 भी हो या 2000 भी हो। अच्छा, प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ बहुत अच्छी व्यवस्था है। पुलिस आई है कोई अभी व्यवस्था को देखने के लिए? व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है और 19 साल से क्या है यहाँ पर कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है। अच्छा, कैमरों की व्यवस्था भी लगाई गई है? नहीं, यहाँ पर कोई कैमरे व्यवस्था। देख रेख किस तरह की, प्रशासन की निगाह में रहेगी, कैसा रहेगा? प्रशासन की निगाह में। ये कौन हाईवे किनारे है ना ये मंदिर? दूसरा मेरी निगाह में भी रहेगा। हाईवे किनारे मंदिर है, चंदा कवर करना मेरा काम, आगे प्रशासन अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते। आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपील क्या करनी है, अपील तो सबसे करते हैं। वही कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद के DIG मुनिराज द्वारा पांचों जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट किया गया है और सभी पांचों जनपद के SSP के साथ मीटिंग लेकर उन्हें कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। हाईवे के मुख्य चौराहों पर CCTV कैमरे कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। मुरादाबाद रेंज का पांचों जनपद का हमने मीटिंग कराया है और इस पर ऑलरेडी दो जनपद का मौके पर जाके मीटिंग कराया, रिव्यू कराया, जो भी कांवड़ यात्रा का रूट का और मंदिरों का सबका व्यवस्था का मैं मीटिंग कराया और अगले दो दिन में सभी जनपद का मैं मीटिंग करके रिव्यू कराएंगे। और साथ साथ अभी पूरा तैयारी पूरी हो चुका है, पूरा पुलिस का जनपद स्तर पर पूरी हो चुका है। हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान अच्छी तरीके बनाया है, ट्रैफिक डाइवर्सन प्लान बनाया है और कांवड़ का सुविधा के लिए भी प्लान बनाया है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए भी प्लान बनाया है। जो ट्रैफिक डाइवर्शन है उसका 4 तारीख से शुरू हो जाएगी। हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुका है और जो राज्य अंतर्राज्य सभी जनपदों में बॉर्डर से जो भी राज्य से एंट्री हो रही है ट्रैफिक और एज वेल एज कांवड़ का रास्ता के बारे में हम लोग विस्तार से मीटिंग होकर डाइवर्सन प्लान बना दिया और सबको लागू करने के लिए भी इंश्योर करा दिया हम लोगों ने। हर जगह ड्यूटियाँ खड़ी हो जाएगी 4 तारीख से और हमारा जो इस बार मेन मोटो है जो मैक्सिमम जो दुर्घटना का कम करने के लिए हम लोग प्लान कर रहा है, कैसे इस तरह कम करेंगे। पिछले साल कुछ घटना हुआ हाईवे में उसका इस बार कम करने के लिए सभी SP से लगातार बात करते हुए हम जो हॉट स्पॉट से आइडेंटिफिक कराया उसका एनालिसिस किया किस कारण से घटना हुआ उसको दूरी करने के लिए इस बार हम प्लान करा दिया हम लोगों ने। और साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम रूटों पर CCTV कैमरा लगवा रहा हम लोग। CCTV कैमरा का IP बेस्ड CCTV कैमरा रहेगी, कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार उसको मॉनिटरिंग रहेगी, जो क्राउड है वो कितना क्राउड आ रही है वो हर रियल टाइम बेसिस मॉनिटरिंग होगा। और साथ साथ जो मिश्रित आबादी है वहाँ पे रूफटॉप ड्यूटी लगाएंगे, वहाँ ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखेंगे और सभी लोग सभी जगह जनपद में पीस कमिटी मीटिंग हो गया, सभी धर्म कुर्मों से भी बात हो गया, हर जगह से बात करके सभी संवाद बनाए हम लोगों ने। सभी
जनपद SSP लोग लोकल लेवल पर अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग सभी तैयारी पूरी हो गया और रोड का जो भी कितना भी जो छोटी मोटी काम है, जो कहाँ कहाँ जो दिक्कत आ रही थी उसके भी पूरी करा दिया। और साथ साथ अभी पूरा 2 महीना ये इस बार कावड़ चलेगी और 2 महीना पूरे पुलिस एक्टिव रहेगी, सतर्कता रखेंगे हम लोग और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा पूरा रेंज का सभी जनपद प्रभारी अच्छी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। लोगों सर कावड़ वाले जो तेजी चलते हैं उनके लिए सर क्या समझाया जाएगा, उनको किस तरह के लिए इंतजाम करेगा डाक कावड़ को लेकर के? सर हम डाक कावड़ लेने वाला जो श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए हम अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, उनका अपना जो टाइम निर्धारित है उसके लिए उनका हम लोग कोशिश करेंगे, अच्छी सुविधा देंगे, साथ साथ उनका ध्यान रखेंगे या एक्सीडेंट का भी ध्यान रखेंगे। अपना स्पीड है उसी के अनुसार उन चला के उनका अपना फिक्स करके उनके जाएंगे और उनका जो लोकल जो अपना जो धर्म गुरु है उनके माध्यम से हमने अपील कर रहा है, उन लोग उनका कन्विंस करेंगे सही तरीके जो 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 स्पीड है नॉर्मल स्पीड में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में जाके कहेंगे कोई दुर्घटना नहीं होना चाहिए, दूसरा कभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, उनके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं अपील कर रहा हूँ और इस पर भी हम अच्छी तरीके निकलेंगे। और साथ साथ PA सिस्टम के माध्यम से और उनका हम लोग निवेदन करते रहेंगे, अपील करते रहेंगे, वो अपना सुरक्षित जाने के लिए भी उनके आराम से जाने के लिए हम अपील करते रहेंगे उन लोगों का।